आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडिया की सबसे फेमस स्पेशल और ट्रेडिशनल डिश सांभर। सांभर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप आसानी से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर घर पर बना सकते हैं। जैसे साउथ इंडिया में मिलता है सांभर, एकदम वैसे ही आप घर पर बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। और इसमें खूब सारे फ्लेवर होते हैं, खूब सारी सब्ज़ियाँ हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिससे सांभर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे इडली के साथ, वड़े के साथ, डोसे के साथ या फिर चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप तूर दाल लेंगे, यानी अरहर दाल भी आप इसे बोल सकते हैं। अब हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे। तो एक बर्तन में हम डाल लेते हैं और 2 से 3 बार इसे अच्छे से धोने के बाद हम इसे आधा घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है और इसमें पानी डालकर इसे भिगो कर हम करीब करीब आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए आधा घंटा हो गया है, दाल अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे कुकर में डाल लेते हैं। तो कुकर में दाल को मैंने डाल लिया है और इसमें 2 कप हम पानी डाल रहे हैं। पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, नॉर्मल जैसे हम दाल बनाते हैं ऐसे ही। और अब मैं आधी छोटी चम्मच इसमें नमक डाल देती हूँ और आधी छोटी चम्मच ही हम इसमें हल्दी डाल देंगे। और इसमें ही आप सब्जियां पका सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा बर्तन हो जिसको कुकर में आप रख सकें तो उसमें आप सब्जियां काट के रख दीजिए। जब हम इसमें सीटी लगाएंगे तो सब्जियां भी साथ में पक जाएंगी, ऐसे भी बना सकते हैं। या आप चाहें तो सब्जियों को इसमें डाल के भी पका सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मैशी हो जाएगा। तो मैं सब्जियाँ इसमें अलग पका रही हूँ। तो अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसमें 4 सीटी आने तक दाल को अच्छे से पका लेंगे। सब्जियों को हम अलग पका रहे हैं तो उसके लिए कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है और इसमें 2 चम्मच हम तेल डाल लेंगे। तेल के अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच सरसों के दाने डाल देंगे, यानी कि राई, सरसों, जो भी आप बोलें वो डाल लें। 1/4 छोटी चम्मच मैं मेथी दाना डाल रही हूँ। मेथी दाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिए। और 10 से 12 हम करी पत्ता डाल लेंगे। 1 से 2 चुटकी हींग डाल लेंगे। हींग डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो इसे हम भून लेंगे अच्छे से। 1 छोटी चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, इसे भी भून लेंगे हल्का सा। 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को भी अच्छे से भून लेंगे। 4 यहाँ सूखी लाल मिर्च ली है, वो डाल लेते हैं, भून लेते हैं हल्का मिर्च को भी हम। अब मैंने यहाँ 1 प्याज लिया है जिसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, वो डाल लेंगे और प्याज को बिल्कुल अच्छा गोल्डन होने तक हम भून लेंगे। प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं, इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसमें। अब 1/2 छोटी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल लेंगे और 2 चम्मच मैं इसमें सांभर मसाला डाल रही हूँ। सांभर मसाला में बहुत ही सारा फ्लेवर होता है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि सांभर मसाला कैसे बनाते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें खूब सारे फ्लेवर होते हैं, तो और किसी मसाले को डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ इमली का पेस्ट लिया है। थोड़ी सी इमली को मैंने 1/2 नींबू के बराबर की इमली को लेकर मैंने 1/2 कप पानी में भिगो दिया था। अच्छे से मसल मसल कर उसका पल्प निकाल लिया है और इसे अच्छे से छान लिया है।
ये मैंने थोड़ी सी ब्लैक वाली इमली ली है, आपके पास अगर रेड वाली हो तो आप वो ले सकते हैं। डाल लेते हैं हम इमली को। इमली का पेस्ट डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास इमली का पेस्ट है तो आप 2 से 3 चम्मच पानी में उसे घोल के वो ले सकते हैं। तो इमली का फ्लेवर सांभर में बहुत ही अच्छा लगता है और सांभर में इमली डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, इससे बहुत टेस्टी सांभर बनेगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने सब्जियां लिए हैं, थोड़े से मैंने पेठा लिया है, इसके क्यूब्स कट कर लिए हैं, बैंगन लिया है, थोड़ी सी मैंने ड्रम स्टिक ली है, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा, ये ज़रूर डालना। थोड़ी सी मैंने बीन्स, थोड़ी सी मैंने यहाँ घिया यानी कि लौकी ली है और एक मैंने गाजर ली है। तो सभी सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती खाने में और हेल्दी भी। तो सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे पतली या गाढ़ी आपको सब्जी चाहिए उसी के अनुसार। तो 2 कप पानी मैंने डाल दिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। अब मैंने सांभर वाले प्याज लिए हैं जो सांभर में डलते हैं, तो ये छोटे वाले प्याज होते हैं और इनका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। सांभर में हम यही प्याज यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल प्याज के पेटल्स खोल के वो डाल लीजिए। देखिए ये वाले सांभर के प्याज होते हैं, ओडिशियन प्याज बोलते हैं इसको, तो ये डाल सकते हैं आप या फिर नॉर्मल ले सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, ढक कर पका लेंगे। तो देखिए मैंने सब्जी को अच्छे से पका लिया है, इसे करीब करीब 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए और बिल्कुल अच्छे से सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। अब जो दाल हमने बना के रखी थी उबाल के वो डाल लेते हैं। दाल को हम बिल्कुल भी मैश नहीं करेंगे और ना ही सब्जियों को मैश करेंगे, बिल्कुल खड़ी खड़ी सब्जियां या फिर हल्की सी दाल में बाइट होनी चाहिए, दाना होना चाहिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें अच्छे से उबाल आने तक पका लेंगे। तो देखिए सांभर में अच्छे से उबाल आ गया है, आप देख पा रहे होंगे एकदम टेस्टी ज़बरदस्त सांभर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे। करीब 2 चम्मच में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देंगे, जब तक कि हल्की सी गाढ़ी इस पर लेयर ना आ जाए। तो सांभर बिल्कुल बनकर तैयार है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब हम गर्मा गर्म सांभर सर्व करेंगे। तो मैंने आज इडली बनाई है तो इडली के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर हमारा बनकर तैयार है, साउथ इंडियन स्पेशल सांभर। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। सांभर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और साउथ इंडिया में सबसे स्पेशल रेसिपी सांभर ही है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है। आप भी ज़रूर बनाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं इसे इडली के साथ आज सर्व कर रही हूँ, आप इसे चावल के साथ, वड़े के साथ, डोसे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।